आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के आदेश पर और एडीएम श्री घनश्याम धनगर के निर्देश पर बड़वानी सीएमओ श्री कुशल सिंह डुडवे ने दो कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एक अभिनंदन नगर की अवैध कॉलोनी दिलीप जैन ने काटी थी, जिन्होंने बिना किसी डायवर्सन से बिना किसी अनुमति से उक्त कॉलोनी का निर्माण लोगों को झूठ बोलकर प्लाट बेच दिए थे। इनके विरुद्ध बड़वानी कोतवाली में धारा 420, 400, 467, 468 नगर पालिका अधिनियम ग्राम निवेश अधिनियम के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी कॉलोनी गोकुल नगर काटी हुई है, शंकर चौधरी बाबू सिरवी, इन्होंने भी लोगों के साथ झूठ बोलकर प्लाट बेचे थे, जो बिना किसी अनुमति के उक्त कॉलोनी का निर्माण किया था। इनके विरुद्ध भी धारा 420, 467, 468 मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम ग्रामीण एवं निवेश अधिनियम के विरुद्ध मामला बड़वानी कोतवाली में दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को बड़वानी यातायात विभाग ने इंदौर बड़वानी MHT बस माँ शारदा पर कार्रवाई कर बस पर यातायात थाने में खड़ी करवाई। जिला मुख्यालय पर माँ शारदा ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP412P1494 बस को यातायात पुलिस द्वारा शाम को परमिट के समय 3 घंटे के बाद चलाए जाने पर यातायात थाने में बड़वानी में खड़ी कर कार्रवाई की गई है। यातायात थाना प्रभारी गिरीश कवर्ते ने बताया कि बस इंदौर से बड़वानी अन्य स्थानों पर चल रही है, परमिट और शर्त का उल्लंघन कर रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर से निर्धारित समय 3 घंटे देरी से चल रही है माँ शारदा बस का नियम विरुद्ध चलाए जाने पर जब्त की है। बस की टाइमिंग 3:15 थी और बस 6:55 पर चलाई जा रही थी। बस का चालान बनाया गया है, बस को RTI कार्यालय में पेश किया जाएगा। आज थाना यातायात द्वारा जो बसें इंदौर से बड़वानी और अन्य स्थानों के लिए चल रही हैं, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं और जो उनको निर्धारित समय परिवहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर से जो समय उनको दिया गया है, उस समय का उल्लंघन करते हुए ये वाहनों को 2-2, 3-3 घंटे जो उनका जो टाइमिंग है लेट चलाते हैं, ऐसे वाहनों पर आज कार्रवाई की गई है। एक बड़वानी इंदौर बस माँ शारदा कंपनी की आज एक जब्त की गई है। क्या गड़बड़ी थी उसमें MHT बस? इसका टाइमिंग दोपहर के 3:15 का है और ये शाम को 6:55 पर यहाँ से सवारी लेकर इंदौर जा रहे थे। जो यातायात की जो इनको परमिट की जो दी गई उन शर्तों का इनके द्वारा उल्लंघन किया। क्या कार्रवाई की जाएगी इस बस के? आगे इसका चालान बना के हमने कर लिया, कल इसको RTO पेश करेंगे कार्रवाई के लिए। सर अगर जैसे गलत टाइम पर चल रही है और कुछ हादसा हो, निश्चित है इसमें अगर कोई ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस वगैरह में समस्या इसको यात्रियों को इसमें आती है।